Welcome everyone. Today we are going to discuss a brief introduction of Einstein's famous equation E is equal to mc square. This equation was given by Einstein in his paper which was published in 1905. Einstein ne 1905 mein teen paper publish kiye the. Usme number 1 tha relativity concept diya tha us, aur number dusra photoelectric effect, aur number teesra jo tha wo energy and mass equivalency ke bare mein tha. According to Einstein, mass is actually nothing. This is energy. Mass is actually nothing. This is energy. अभी ये मास है, तो according to Einstein, ये जो मास है, ये actually energy है. लेकिन ये condensed form of energy है. ये energy की दूसरी form है, जिसको हम condensed form कहते हैं. ये energy का condensed form है. ये भी है energy, लेकिन ये जो energy है, ये condensed form में है. जब हम चाहें तो इसको चेंज करते हैं दूसरे फॉर्म पे. तो ये इक्वेशन बेसिकली दिस इक्वेशन इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द अनदर इक्वेशन. एक्चुअल इक्वेशन जो था उस पेपर में वो इक्वेशन ये था, ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4. E square is equal to P square. P is momentum. C is speed constant, speed of light. Or plus M is mass and C is a speed of light. E is energy. This is actual form of this equation. Einstein ने अपने paper में जो actual form दिया था वो ये था. ये जो form है ये आप समझ ले, ये जो E is equal to mc square है ये for rest mass के लिए है. This equation is applicable only on rest mass, for rest body or mass. जब body rest पे होगा तो हम ये equation use कर सकते हैं. ये equation किधर से निकल गया? ये equation actually इस equation से निकल गया है. जब बॉडी रेस्ट पे होगा तो हम जानते हैं इसका मोमेंटम जीरो होगा. मोमेंटम इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एम वी. जब बॉडी का वी जीरो हो, मतलब बॉडी का वेलोसिटी नहीं है, स्पीड नहीं है, तो इसका मतलब है कि बॉडी का मोमेंटम जीरो है. जब बॉडी का मोमेंटम जीरो है तो इसका मतलब है बॉडी रेस्ट पे है. तो बॉडी रेस्ट पे है तो हम इधर जब पी की जगह जीरो पुट करेंगे तो ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा, ई इज इक्वल टू एक्स ई स्क्वायर जीरो प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4. ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी की पावर 4. टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, जब हम अंडर रूट लेंगे दोनों साइड पे तो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. इसका जो स्क्वायर है वो इसके साथ काट जाएगा और ये हमारे पास एक इक्वेशन होगा जो कि इसका और इसका इक्वेशन आपस में इक्वल है. तो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन मास इज एट रेस्ट. अभी लेट्स से मैं कहता हूं कि 10 केजी एक मास है, 10 केजी एक मास है, तो उसमें कितना एनर्जी होगा? तो उस एनर्जी को फाइंड करने के लिए मैं इस इक्वेशन को यूज कर सकता हूं. अगर एक बॉडी है और वो स्पीड से जा रही है तो फिर दिस इक्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल. अब फिर जो इक्वेशन यूज होगा वो ये होगा जिसमें मोमेंटम इन्वॉल्व है और मोमेंटम इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. सो एग्जांपल करते हैं कि इफ लेट्स से हमारे पास एक मास है, ये हमारे पास मास है
जो कि 10 केजी का है, तो इसमें एनर्जी कितना होगा? तो इसको हम फाइंड करते हैं कि इस 10 केजी में एनर्जी कितना होगा। तो पुट करें इस इक्वेशन में E इज इक्वल टू m, m कितना है 10, तो इधर मैं 10 पुल करता हूं, और C जो हमारे पास है, यू नो C इज इक्वल टू 3×10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ लाइट। ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट, तो इधर मैं जब पुट करूंगा 3×10^8 मीटर पर सेकंड, तो इसका स्क्वायर भी लेंगे। जब हम इसका स्क्वायर भी लेंगे और ये हमारे पास 10 केजी है, तो इस दोनों को इसका पहले स्क्वायर लेके इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू 10, 3×3 का स्क्वायर है तो 9×10^16, ये हमारे पास ये होगा। अभी एक 10 ये है, तो इस 10 को इधर मैं इंसर्ट करता हूं 9×10^17 जाऊ एनर्जी। तो अभी जो ये एनर्जी है ये हमारे पास कितना आ गया, ये जो 10 किलोग्राम में जो एनर्जी है 9×10^17 जाओ, इट्स वेरी ह्यूज एनर्जी, एक बहुत बड़ी एनर्जी है। लेकिन मास जो है वो याद रखना, कंसेप्ट इज दैट कि मास जो है वो एट रेस्ट, मास रेस्ट पे है। अगर मास मूव करता है, आपको अगर वेलोसिटी गिवन होता है, तो आप वेलोसिटी से फिर मोमेंटम पे, और फिर ये इक्वेशन एप्लीकेबल होगा जो कि एक्चुअल इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन का जो एक्चुअल इक्वेशन है वो ये है। लेकिन ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास रेस्ट मास के लिए है। और एक मिसकंसेप्शन होता है, लोग कहते हैं जब हम मास को इतने स्पीड से पैंकेंगे तो एनर्जी पे कन्वर्ट होगा, हो सकता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि इतना स्पीड हम दे दें। अगर दे दें शायद हो सके, लेकिन एक्चुअली हमने स्टार्ट में कहा मास इज इटसेल्फ नथिंग, मास इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, व्हिच फॉर्म, इट इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। और आइंस्टाइन ने यही कहा था, एनर्जी जो है और मास जो है, दीज टू टर्म्स आर इक्विवेलेंट, एनर्जी और मास जो है ये एक इक्विवेलेंट टर्म है, इसमें इतना डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए हम एनर्जी को मास पे, एनर्जी का जो दूसरा फॉर्म है मास, मास पे जा सकते हैं, और मास का जो दूसरा फॉर्म है एनर्जी पे। तो अभी लेट्स से दिस इज अ पार्टिकल, दिस इज मास, दिस इज मास, इसमें हम कह सकते हैं कि करोड़ों पार्टिकल है जो कि मिलके एक मास बना है। लेकिन इस ये जो मास है दिस इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी, इसका जिस तरह हमने एक 10 किलोग्राम रेस्ट मास को कन्वर्ट किया उसका एनर्जी आ गया 9×10^17 जूल्स एनर्जी। तो इतना एनर्जी 10 किलोग्राम में है। नेक्स्ट अगर हम मास को मास पे फिर जा सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, एनर्जी गिवन है तो मास पे किस तरह जाएंगे, हम जानते हैं E इज इक्वल टू mc2। अभी m इज इक्वल टू e/c2, तो m इज इक्वल टू एनर्जी कितना है 9×10^17 जाऊ, और c2 आप जानते हैं 3×10^8। तो अभी नेक्स्ट 9×10^17/9×10^16। अभी इधर भी मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं 10^16×10, जब बेस सेम हो तो पावर एड हो सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ ये जो टर्म है और ये जो टर्म है दीज टर्म्स आर सेम, तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, और ये जो रिमेनिंग टर्म है 10, तो
तो इसका मतलब ये है कि m इज इक्वल टू 10 kg। तो अभी एनर्जी से हम मास पे आ गए, तो इसका मतलब ये है आइंस्टाइन ने ये ठीक कहा था कि मास और जो एनर्जी है दीज टू टर्म्स आर इक्विवेलेंट, और जो कि एक मॉडर्न डिफिनीशन बन गया है कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, जो कि हमने वो जो रिलेशनशिप था वो जो एक्चुअल फॉर्म था ऑफ दिस इक्वेशन वो हमने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, आई होप यू विल अंडरस्टैंड।